चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की DSW रितु रनौत की शिकायत पर खड़वा थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें बताया गया है कि लड़की का अश्लील वीडियो किसी दूसरी लड़की के फोन पर आया, जो कि नहाते वक्त बनाया गया था। इस लड़की पर FIR दर्ज हुई है। उसकी शिकायत वार्डन से अन्य लड़कियों ने की, जिसके बाद आरोपी लड़की ने स्वीकार किया कि उसने शिकायत में दर्ज 8 लड़कियों की वीडियो बनाई थी और अपने दोस्त सन्नी को, जो कि शिमला का है, को भेजी थी। लेकिन उक्त वीडियो दूसरी छात्र के फ़ोन में कैसे आई वह नहीं जानती। शिकायत में बताया गया कि आरोपी लड़की ने स्वीकार किया था कि उसने वीडियो डिलीट कर दी है। FIR दर्ज में लिखा है कि शिकायत देने वाले लड़कियों को शक है कि उनकी भी अश्लील वीडियोज़ बनाकर सेंड की गई है। यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने बताया कि वार्डन ने आरोपी छात्रा के फ़ोन से वीडियोस डिलीट करवा दी है, जबकि उक्त लड़कियों ने स्वीकार किया था कि उसने वीडियो बनाई है, जिसे कुछ लड़कियों ने देखा भी था, लेकिन इतने हंगामे के बाद कोई भी सामने आना नहीं चाहती थी। जिस हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाया गया वह हॉस्टल पहले लड़कों का था। लड़कों के लिए बनाए गए बाथरूम के दरवाजों में नीचे काफ़ी जगह खाली रहती है और ऊपर से भी वह कवर नहीं होती, जिसके चलते किसी का भी नहाते हुए या चेंज करते वक्त वीडियो बनाया जा सकता है। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल का रूम देते समय यहां आने वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल की लॉबी में CCTV कैमरे भी नहीं लगाए गए, जहां कोई भी प्रवेश कर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।